रहा हूँ आईआईटी के एक लैब से कुछ वेस्ट जो था वो बेचा गया कबाड़ में, स्क्रैप मटीरियल। उस स्क्रैप मटेरियल को जब कबाड़ी वाला लेकर के गया और उसने घर में अपने जहाँ पर स्टोर हाउस था, वेयर हाउस था, वहाँ खोला उसको, तो एक वो सिलेंडर टाइप का था जिसको उसने तोड़ा, तो वो उससे उसमें रेडिएशंस निकले कि बाद में उसकी डेथ हुई। तो पता ये चला कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल था और रेडियो एक्टिव मटेरियल को बिना सोचे समझे उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया और बहुत ही केयरलेसनेस रही, बाद में उसमें काफ़ी इंक्वायरी थी। मेरा कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल लैब्स में भी, बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में भी इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट काम किए जाते हैं। अब इथीडियम ब्रोमाइड हम लोग जानते हैं कि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इस्तेमाल होता है और इथीडियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। अगर आप ना जानते हो और या आपका लैब अटेंडेंट ना जानता हो, चपरासी ना जानता हो और आपके वो केमिकल्स को हैंडल कर रहा हो, तो इथीडियम ब्रोमाइड खतरनाक हो सकता है। तो जब उस जेल को आप डिस्पोज ऑफ करें तो उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। तो और बायोमेडिकल वेस्ट का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी मेडिकल वेस्ट में आते हैं। आप लोग I-131 का इस्तेमाल करते हैं और I-131 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आयोडीन का ये आइसोटोप है, और अगर इसका डिस्पोजल भी ठीक से नहीं किया जा रहा है, निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है, स्पिलेज हो रहा है और उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया गया, तो आप स्वयं भी छात्र हैं, डॉक्टर भी हैं, अटेंडेंट भी हैं, सभी लोग इसके शिकार हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ये परसेप्शन डेवलप करना होगा हमें कि हम मरीज का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन मरीज का इलाज करते समय हम कम्युनिटी की हेल्थ के कॉस्ट पे ना करें। क्योंकि यहाँ की पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष मौजूद हैं और पिछले वर्ष किसी कारणवश मुझे भी हैरत अस्पताल जाने का मौका मिला और बहुत ही दुखद स्मृतियाँ लेकर मैं वापस आया हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक पर्सनल लॉस हुआ वहाँ पर और मैंने देखा कि मेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा और सड़क पर कॉटन सिरिंजेस ये पड़ी हुई। तो मतलब थोड़ा सा कोप तो ये होता है कि हम जिनका इलाज अंदर कर रहे हैं अस्पताल में और 100 दूसरे मरीजों को पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि हम उसका एक्सपोजर तो कम्युनिटी से हो रहा है। तमाम लोग बीमार आते हैं और बीमारों के साथ परिजन भी आते हैं और वो देखते हैं और इस तरह की आबो हवा है कि वो सब चीज़ें इनहेल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है,